राहुल जी ने जो गले मिले प्रधानमंत्री से, फिर आंख से उन्होंने इशारा किया। देखिए, ये एक प्रतीकात्मक चीज को संतुलन से बाहर रूप से, डिस्प्रोपोर्शनेट रूप से दिखाया जा रहा है बीजेपी द्वारा और कुछ मोटिवेटेड लोगों द्वारा। उनका संदेश क्या था, उनका प्रतीक क्या था? प्रतीकात्मक ये था कि इस देश को जोड़ना आवश्यक है, इस देश में स्नेह और प्यार आवश्यक है, इस देश में दुराग और विभाजन जरूरत नहीं, इस देश में भय का वातावरण हटाओ। ये सब उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से, जिसको आप छप्पी कहते हैं, जादू की छप्पी या प्यार की छप्पी लेके किया। इसका और कोई उद्देश्य नहीं था। अब उसके बाद आप जो कुछ कहें, मैं समझता हूँ कि आप पूरे संदेश को छुटलाना चाहते हैं, भूल गए और समझ ही नहीं पा रहे। देखिए, ये गलत मानना है कि ये आंकड़ों या गणित के आधार पर किया गया। इसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो व्यापक रूप से पूरा हुआ कल, और वो उद्देश्य था कि देश में जो अनेकों मुद्दे हैं, रोजगार से लेके, आर्थिक विषयों से लेके, सामाजिक दुराव और विभाजन से लेके, वायदे जो पूरे नहीं होते हैं, सैकड़ों जो मुद्दे हैं, उन सबको पूरी तरह से संसद के पटल से पूरे देश के सामने लाना। ये बात बहुत पूरे रूप से सिद्ध हुई। हम सब जानते हैं आंकड़े पहले से, लेकिन बड़े प्रभावशाली तरीके से ये सबको संदेश गया, और साथ साथ संदेश गया कि जो अपने खुद के, जिनको परिवार मानते हैं एनडीए का, वहाँ भी बहुत बिखराव है। ठीक है, आंकड़े बहुमत आपके पास है, लेकिन उन बहुमत में किसने अविश्वास प्रस्ताव शुरू किया, वो भी आपका ही समर्थक था, और कौन संसद के पटल को छोड़ के चले गए, वो भी आपके ही समर्थक माने जाते थे आपके द्वारा। ये एक संदेश बड़ा प्रभावशाली भेजता है देश को, और कितना भी वो लोग कह लें, सिर्फ आंकड़ों के आधार पर ये संदेश नकारा नहीं जा सकता। आप क्या कहेंगे, मैं क्या कहूँगा, अब तो इस विषय में उच्चतम न्यायालय बोल चुका है। हर दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी कोई हफ्ते भर पहले, एक महीने में 31 ऐसी वारदातें हैं। आखिर भारत भी वही है, सरकारें भी आई गई हैं 2014 के पहले, दुराव भी हुआ है, अविश्वास भी हुआ है, आंकड़े भी हैं, गठबंधन भी हैं, लेकिन आपने 70 साल के भारत के इतिहास में कभी देखा कि एक महीने में 31 या 32 लिंचिंग हो रही है? तो इसका कहीं ना कहीं एक कारण है, कारण है कि आपने जो माहौल बनाया है, आपने जो संकेतात्मक प्रतीकात्मक इशारा किया है कि करो, हम आपके विरुद्ध एक्शन नहीं लेंगे, दंडित नहीं करेंगे, उसका आप देख रहे हैं दुष्प्रभाव।